से आपका फ्राइडे स्पेशल आवाज अड्डा में, और जैसा कि हमने वायदा किया था कि हर शुक्रवार को हम बाजार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है बाजार काफी ज्यादा खबरों से लबरेज है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहती हैं। और अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, किन खबरों पर ध्यान देना और कौन से थ्रेट पकड़ने हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये सीरीज बहुत ही दिलचस्प इसलिए होने वाली होगी क्योंकि जो बीता हफ्ता था उसमें एक सेक्टर था जिसने जाते जाते एकदम से गिरावट देखने को मिली, वो है आईटी। थोड़ा सा चला लेकिन उसके बाद जबरदस्त गिरावट उसमें आई, और शुरुआत एचसीएल टेक्नोलॉजी से हुई थी, फिर पूरे आईटी सेक्टर की तमाम शेयर्स की पिटाई हो गई क्योंकि अर्निंग डाउनग्रेड्स की खबरें आई। तो ये एक सेक्टर जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम लोग एक बात ये करेंगे कि दुनिया भर के जो बैंकर्स हैं अब वो बड़ी रिसेशन की बातें करने लगे हैं। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब तरह तरह की जो बातें करें, क्या ऐसी कोई आहट है अमेरिका में, हमें उससे कितनी चिंता करनी चाहिए, हम क्या उससे बिल्कुल इंसुलेटेड हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर एक बातचीत हम करेंगे कच्चे तेल पे, जो कि बिल्कुल भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, 75 के आसपास आ गया, $75 पे, तो वो हमारे लिए कितना कम्फर्ट जोन क्रिएट करता है हमारे मार्केट के लिए। और इसके अलावा FIIs की जो बिकवाली हो रही है वो मार्केट के ट्रेंड के तौर पे हम लोग जरूर देखेंगे। और एक स्टॉक जिस पे बहुत बातचीत होती है, पेटीएम पे। पेटीएम ने कहा है कि वो बाईबैक करेंगे, क्यों बाईबैक करना चाहते हैं वो, स्टॉक अपने हाई से 75% नीचे है, इससे क्या फायदा होगा चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग आईटी शेयर से ही शुरुआत करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से HCL की उस खबर के बाद गिरावट शुरू हुई, फिर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी उसमें आ गई, तो क्या समझना चाहिए इसको। सुदीप सर आपसे शुरुआत करते हैं, ये आईटी सेक्टर में अचानक से क्या हुआ ये? देखिए, HCL का एक इन्वेस्टर जो बीट चल रहा था वहां पे उन्होंने उनकी जो गाइडेंस था उसका अपर एंड के जगह लोअर एंड के आसपास नतीजे आने का संभावना व्यक्त किया और इससे मार्केट में बहुत बड़ा कंसर्न आ गया। ये सिर्फ HCL के तक नहीं रुका, निवेशक और जो एक्सपर्ट्स हैं सबको लग रहा है कि सारे आईटी कंपनीज अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली डिमांड में कमी होती है, सर्विसेज के डिमांड में कमी होती है, और जैसे कि HCL ने बोला है बहुत सारे, ये जो लास्ट क्वार्टर है, सॉरी यूएस में लास्ट क्वार्टर है, जो हॉलीडे वाला क्वार्टर है, वहां पे बहुत सारे फर्लॉज होते हैं, मतलब कंपल्सरी शटडाउन होते हैं, छुट्टियां बढ़ा दी जाती है, और को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा होगा इस बार क्योंकि डिमांड में कमी है, और ऑब्वियसली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे आईटी कंपनीज उनके ऊपर आएगा। नाउ ऑब्वियसली अगर यूएस में ये स्थिति है तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, जिनका लगभग 50% के आसपास अर्निंग यूएस मार्केट से आता है, बहुत बड़ी समस्या की बात है। HCL तो फिर भी HCL का रेवेन्यू यूरोप से भी बहुत ज्यादा आता है, पर बाकी बहुत सारे ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, जिनका की लगभग 50% रेवेन्यू यूएस से आता है, और अगर यूएस जैसा मार्केट में यह हालत है तो यूरोप में तो और भी खतरनाक हालत होगा, क्योंकि सबको मालूम है यूएस में एक रिसेशन का, यूरोप में एक रिसेशन का माहौल है, और जो गैस प्राइसिंग रशिया यूक्रेन वॉर उसको लेके सारे यूरोप में बहुत दबाव है इकोनॉमी में, तो वहां पे तो एक्सपेक्टेड था कि डिमांड में कमी आएगी। अब अगर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और जो बाकी सर्विसेज है इन कंपनीज का, उसका डिमांड यूएस में भी बहुत कम हो जाता है इस क्वार्टर में, तो शायद एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए, और बाकी सारे आईटी कंपनीज भी अफेक्टेड होंगे। ना खास बात यहाँ पे ये भी है कि आईटी कंपनीज हैं डूबता, तो क्योंकि ये ऊपर चले गए थे थोड़ा बहुत नीचे के लेवल से, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, करेक्शन भी बहुत शार्प हुआ, और एक 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 हद तक गिरावट जो हमने बहुत दिन नहीं देखा था आईटी में देखने को मिला। अगर आप पूछेंगे कि ये शंका की बात है बहुत बड़ी, तो मेरी राय तो ये होगी कि बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। आईटी कंपनीज में अगर कोई निवेशित है या निवेश करना चाहते हैं विद एक साल प्लस का टाइम हॉराइजन, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे ऐसे उथल पुथल डिमांड का होता रहता है। यूएस में शायद डिमांड का कुछ कमी है इस क्वार्टर में, पर इसका मतलब और इस एक्स्ट्रापोलेट करना कि ऐसा ही डिमांड का कमी अगला साल भी रहेगा, ये शायद सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसमें हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेने के खिलाफ है, और निवेशक को भी यही सलाह देंगे।
देखिए इस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। हमारी स्क्रीन पे इस समय आपको जो नंबर